महासभा का कार्यक्रम है। ये बहुत अच्छा पहल है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ है, जाति के नाम पे हर वर्ग अपने में बटा हुआ है, क्षत्रिय बटे हुए हैं, ब्राह्मण बटे हुए हैं, एक दूसरे का शिकायत करते हैं, मतलब हर जाति में यह प्रथा है। इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारे भाई सर्वेश पांडे जी का पहल बहुत ही सराहनीय है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं एक बात कहूँगा कि ये एक रश्मि रश्मि का कविता है, ये सर्वेश पांडे जी पर लागू होता है। हमारे भाई हैं, हो सकता है हमसे छोटे हों, लेकिन हम लोगों से बहुत बड़े ऊपर का लेवल का काम करते हैं। और पूरे एक स्टेट नहीं, एक जिला नहीं, ये पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये इस उम्र के युवा के लिए और हमारे जो भी युवा वर्ग है उनके लिए ये पहल है कि वो इसमें साथ दें। तो मैं रश्मि का दंडा करूँगा। कर्ण ने कहा था जब उसको भगवान कृष्ण मनाने गए थे कि तुम्हारे पांच भाई हैं और तुम छठे भाई हो, कुंती के पुत्र हो सबसे बड़े, और इस महाभारत युद्ध में तुम लौट आओ, तो कर्ण ने कहा था कि देखो नौका तट छोड़ चली, देखो नौका तट छोड़ चली, अपने को उन्होंने नौका की संज्ञा दी थी और बोला था कि देखो नौका तट छोड़ चली, पता नहीं कि सोर चली, ये बीच नदी का धारा है, सुझता नहीं किनारा है, ले लील फले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।